शेतकरी मित्रांनो नमस्कार, तुम्ही पाहताय ग्रेट महाराष्ट्र चॅनल। तर मंडळी, मी दूध व्यवसायाविषयीचे व्हिडिओ घेऊन येत असतो। तर आता जो व्हिडिओ तुम्ही बघताय तो खूप छान व्हिडिओ होणार आहे, कारण तुम्ही एक म्हैस पालन, मुरा म्हैस पालन कसं करावं याविषयी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये माहिती भेटणार आहे। तर एक कोटीचा, म्हणजे तुम्ही एक कोटी जरी त्यांना दिलं तरी ते रेडा विकत नाहीत, किती जरी पैसे दिले तरी तो रेडा विकत नाही। त्यांच्याकडे जनावरे थोडीच आहेत, एक रेडा आणि दोन म्हशी आहेत। तर तुम्ही बघू शकता व्हिडिओमध्ये, तुम्हाला स्क्रीनवर दिसेलच तगड्या म्हशी आहेत। तर आपण बघूया ते काय काय नेमकं कसं सांभाळतात आणि त्यांना कसा शोक म्हणून हे करतात। नमस्कार। नमस्कार भाई, आपके चॅनल देखने वाले सभी भाई नाजोडकर नमस्कार भाई। आपका ऍड्रेस काय काय आहे? ऍड्रेस हमारा भाई VPO पांडू पिंडारा जींद हरियाणा। अभी जो बोल आपने पालन कर रहे हो उसका, जी भाई जी, तो कैसे शौक लगा इसका? मतलब भाई ये छोटा है, एक महीने का आया था अपने पास। शौक तो स्टार्टिंग से ही है, अपने पिताजी भी अच्छे पशु रखते थे, अपने अच्छे पशु रखते थे, तब से ये आया था। अपने पास कटड़ी थी, वो कलकत्ता गई 10 लाख रुपये बिके भाई। यार ये छोटा आते नहीं, कॉम्पिटिशन में लेकर जाने लगे थे, तब से ज़्यादा शौक लगा था भाई, तब से ये तैयार कर रखा है। ओके, इसका प्राइसिंग की बात करें तो क्या हो सकता है प्राइस भाई? अपन आज तक इसका रेट नहीं रखा भाई, नोट पर सेल है भाई, ये कभी सेल नहीं करना, हमारे घर पर रहेगा भाई। ओके, कितने साल का है ये भाई? 5 अगस्त को 2.5 साल का होगा भाई। 2.5 साल का? हाँ जी भाई, 2.5 साल। ओके, इसका हाइट कितना होगा? हाइट मतलब 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 7 इंच के लगभग होगा। और कौन सी ब्रीड में आता है ये? मुरा ब्रीड में आता है भाई, प्योर मुरा ब्रीड, प्योर मुरा ब्रीड। इसके माँ का रिकॉर्ड क्या था? इसकी माँ का रिकॉर्ड है भाई 23 किलो 600 ग्राम चल रही थी। 23 किलो? हाँ, 23 किलो 600 ग्राम। इससे सीमन बनाए? हाँ, इससे सीमन बनवा रखे हैं भाई, ब्रीडिंग के लिए रखा है। ओके, इसको क्या क्या खिलाते हो? इसको भाई मिक्स फीड, चना, हदिनोला, सरसों, मक्की, सोयाबीन, बाजरा, सब कुछ मतलब मिक्स फीड चलता है भाई। ओके, और चारा में कुछ नहीं देते? चारा मारा, चारा और दूरा हरा चारा। ओके, और ग्रीन ग्रीन पाउडर हरा चारा। हाँ, इसको पालन करने के लिए कितना खर्चा आता होगा भाई? आज तक कभी एस्टिमेट नहीं लगाया भाई इसका, जितना खाएगा उतना है भाई। ओके, मतलब केयर करने के लिए क्या क्या करते हो अलग तरीके से? अब इस दो टाइम घुमाना फिराना, नलाना दलाना, दो टाइम फिर। अभी इसके बारे में और क्या जानकारी दे सकते हो? ये भाई कंपटीशन के लिए तैयार कर रखा है, कई बार ये प्रतियोगिता जीती थी क्या भाई, मिलन बीच में भी छोटा 8 महीने जाने लगे तब से जीतता रहा भाई। इससे बच्चे जो पैदा किए हो गए रेडिया या पपीलो, तो वो कितना दूध देती है? अभी भाई 5-6 महीने पहले इससे वैस प्रेगनेंट करवाई थी अपनी, अभी तक इसके बच्चे नहीं आए। 3-4 महीने के बाद इसके बच्चे आएंगे फिर चलने, तब पता लगेगा कैसे बच्चे आ रहे हैं, कैसे फिर इसका रिजल्ट आएगा। अरे कब से इधर? 10 साल से है ये तो? नहीं, तो मतलब 2.5 साल से, 1 महीने का था। मोठी म्हैस आहे, आता तुम्ही हाईटला बघू शकता, तर ही माय मायापेक्षा पण 5। इसका हाईट कितना होगा? इसका हाईट लगभग 5 फूट के लगभग हाईट होगा भाई। हाँ, 5 फूट तर ये जे आहे माझे 5 एवढा आहे। तर इसका क्या प्राइसिंग रहेगा? ये नोट पर सेल है भाई, ये घर पे ब्रीडिंग के लिए दूध पीने के लिए रहते हैं। ठीक है, बस कितना दूध बच्चे सेल करते हैं? कितना दूध दिया ये फर्स्ट टाइम में? 19 किलो कुछ ग्राम दूध दिया इसने। अब सेकंड टाइम डिलीवरी होगी इसकी, 5 दिन बाकी है। और इसका जो दूध है वो कहाँ से निकलते हैं? हाथ से निकलते हैं भाई, मिल्किंग मशीन तो इधर से नहीं, मिल्किंग मशीन यहाँ भी यूज़ नहीं होती भाई, हरियाणा मिल्किंग मशीन यूज़ नहीं होती, बार बड़े बड़े डेयरी फार्म में वहाँ पर मिल्किंग मशीन यूज़ होती है। ओके, क्यों नहीं होती मिल्किंग मशीन यहाँ पे भाई? किसी का कुछ साइज है, किसी का थोड़ा कुछ साइज है, तो उसमें हाँ थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसका कितने बार दूध निकालना पड़ता है? इसका 2 टाइम, सुबह 5 बजे और शाम को 5 बजे, दो ही टाइम फीड डालते हैं। कंटिन्यू कितना दूध देता है? कंटिन्यू मतलब 15-16 किलो, 15-16 किलो 5-6 महीने तक। जो बफेलो को ये है उसको जो खिलाते हैं इसको यही खिला देगा? हाँ, सेम मिक्स फीड सभी का सेम चलता है। ओके, बफेलो जो लोग हमारे यहाँ इधर के बफेलो उधर लेके जाते हैं, तो उसको आप क्या सलाह देंगे कि अच्छी तरीके से बफेलो संभालने के लिए? भाई थोड़ी बढ़िया है ब्रीड की भैंस लो, लंबा दूध देती है, बढ़िया बच्चे सेल होते हैं। इन भैंसों के बच्चे मतलब बढ़िया मुरन ब्रीड की भैंस है, तो बच्चे 1-1.5 लाख के 2 लाख के बच्चे सेल हो जाते हैं। नॉर्मली बच्चे होंगे फिर वो दूध भी 10-12 किलो देगी, आजकल फीट बहुत महंगे हो गए, तो उसमें प्रॉफिट कम। जो बच्चे आप बोल रहे हो कि 1-1.5 लाख के सेल होती है, वो कितने दिनों के मतलब कहाँ के? 1 साल के। 1 साल की कतड़िया? हाँ, 1 साल की कतड़िया मतलब गाबन कतड़िया वैसे ही? ना ना, वैसे ही छोटे बच्चे, छोटे बच्चे। हाँ, इतना रेट कैसा होता है इसका मतलब? भाई ब्रीड है इनका, आगे जाके वो बढ़िया बनेंगे, कंपटीशन लेवल के होंगे, बढ़िया दूध देंगे, बढ़िया बच्चे। ओके, तो इसको केयर करने के लिए क्या अलग करते हो? केयर कुछ नहीं भाई, 2 टाइम नलाना दलाना, 2 टाइम फिर डलना, और थोड़ा तालाब में घुमा के देखाना। तालाब के लिए? तालाब कहाँ रहता है वो? यहाँ पे गाँव में। तो तुम्हारे पास कतड़िया जो होती है उसको क्या क्या स्टार्टिंग से खिलाते हो? कतड़िया 3 महीने तक दूध पेट भर दूध खिलाते हैं, उसके बाद पेट पर।
कितने दिनों में तैयार होती है वो भाई? मतलब प्रेग्नेंट के लिए मतलब 16 महीने 18 महीने 18 महीने 14-15 महीने की हो जाती है। बढ़िया की रही तो आप क्या सलाह देंगे लास्ट भाई? यही सलाह भाई, बढ़िया ब्रीड पे काम करो, वहाँ पे जहाँ पे आपकी जो ब्रीड है उस पर अच्छा ध्यान रखो, मुरा बेच लो तो अच्छी लो, अच्छा दूध देंगी, अच्छा प्रॉफिट होगा, अच्छे बच्चे देंगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, थोड़ी नॉर्मल बेच लेंगे तो दूध कम देती हैं तो फिर फीड ज़्यादा महंगी होगी, कॉस्टली है सब कुछ, दाना रहता रहता कुछ कॉस्टली है, उसमें प्रॉफिट बहुत कम आता, लॉस हो जाता है, फिर डेयरी फार्मिंग बंद हो जाती है। ओके, अभी हमारे जो किसान इधर आते हैं बफेलो लेने के लिए हरियाणा में, तो उनको आप ये बता सकते हैं कि बफेलो कैसे सिलेक्ट करें, ब्रीड के ऊपर कैसे काम करें? ब्रीड तो यही है भाई, एक बफेलो दो लेके जाने तो एक ले जाओ, बढ़िया ब्रीड की लेके जाओ, बढ़िया सीमन सेलेक्ट करो, दूध वाली भैंस की देखो, बढ़िया ब्यूटी के, ब्यूटी प्लस मतलब मिल्क प्लस ब्यूटी के देखो, बढ़िया सीमन यूज करो तो आगे बढ़िया बच्ची आएंगे, तो उनसे आगे आगे अपने आप ब्रीडिंग होती चली जाएगी, थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। प्योर मुरा देखिए कैसे पहचान? प्योर मुरा यही है भाई, बढ़िया दूध की हो जो, बढ़िया मतलब हाइट लेंथ मतलब देख के सब कुछ, ब्लैक टेल हो, बढ़िया रिंग सिंग हो, मीडियम साइज हो। और इसका जो सिंग है और रेडे का सिंग अलग है, तो ये थोड़ा बहुत तो सभी में चेंज आता है भाई, एक से पशु बिल्कुल मतलब सेम साइज का कुछ भी नहीं, आदमी भी एक साइज के नहीं होते। ओके, मतलब सेम शक्ल के होते हैं, तो थोड़ा बहुत चेंज तो आता ही आता है। मतलब ये मुरा ही में आते हैं? हाँ, मुरा में ही आते हैं। अभी इसको जब लोग देखने के बाद क्या क्या देखना चाहिए बफेलो सिलेक्ट करते हो भाई? यही है, पतली गर्दन हो, बढ़िया पीठ पुड़े हो, लंबे पुड़े हो, चुड़ाई बढ़िया हो, नीचे पिल वो अंडर बढ़िया हो तभी भाई, और तेल ज़्यादा वाइट ना हो। ओके, मैं फोकस दूध पे भाई, दूध अच्छा हो। तेल देखे तो 1-2 इंच होगी बस, बाल ज्यादा है, तो ये तेल ऐसे ज्यादा, ये बाल सफेद नहीं होना चाहिए, ज्यादा सफेद नहीं होना चाहिए। तो आगे जाके क्या प्लान मतलब इसका? आगे जाके भाई दूध रिकॉर्ड कराएंगे, बढ़िया बच्चे तैयार करेंगे, ब्रीडिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया सर, आप जो कर रहे काम, आपका जो शौक है उसके लिए हमारे चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद भाई, आपका यहाँ पे इतनी दूर आने के लिए आपका धन्यवाद, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तर शेतकरी मित्रांनो हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की कळवा, आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राइब करा। धन्यवाद। धन्यवाद भाई।